हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, SKK न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि। दिन पटना गोपालपुर थाना कांड संख्या 243/21 के आरोपित अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सूत्रों के अनुसार चंदा के नाम पर मांगा गया रंगदारी, लापरवाह और मनमाने हाथों में गोपालपुर थाने की कमान। पटना, सुशासन के राज्य में बढ़ती जा रही है पुलिस की मनमानी और अपराधी होते जा रहे हैं बेलगाम। ऐसा प्रतीत होता है कि सुशासन के राज्य में अपराधियों का मनोबल को बढ़ता ही जा रहा है। गोपालपुर थाना कांड संख्या 243/21 के आरोपित अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर। मध्यम वर्ग को नहीं मिल रहा इंसाफ, महीनों से आरोपी है फरार, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं पीड़ित परिवार, डरे सहमे हुए महीनों से घर में है बंद। गोपालपुर थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाते थक चुके हैं। थाना आश्वासन और कैमरे लगाने को कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। सुशासन बाबू की प्रशासन इतनी लापरवाह क्यों? हाई प्रोफाइल के केशों संज्ञान में पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और तो और तुरंत अपराधी को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन गरीब किसानों के केशों में ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता? पटना जिले के गोपालपुर थाना इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों के केंद्र में यहाँ की थाना प्रभारी अभिषेक कुमार रंजन की मनमानी कार्यशैली है। बीते दिन मनोहरपुर कछुआरा गांव में चंदे मामले को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उदय सिंह, समीर कुमार, निशी कुमारी, सुधीर कुमार के परिवारों के द्वारा सुनील सिंह, अविनाश कुमार, नीतीश कुमार को गोली मारी गई थी। गोली की आवाज सुनते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग एवं घायल के बहनोई के सहयोग से आनन फानन में फोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थाने का क्षेत्र काफी बड़ा है और आए दिन यहाँ कोई न कोई वारदात भी होती रहती है। गोली तीन लोगों को लगा, हम अफरा तफरी मच गई। हम स्थानीय ग्रामीण के सहायता से किसी तरह फोर्ड हॉस्पिटल चले गए, जिसमें दो लोगों की स्थिति नाजुक थी। एक लोग बोल रहे थे अविनाश कुमार, बड़े वाले जो 40 साल के, बाकी दो लोग बेहोशी अचेत अवस्था में थे। फिर स्थानीय लोगों के मदद से हम फोर्ड हॉस्पिटल चल गए। फिर वहाँ इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही हम एडमिट हुए, तो सबसे पहले हमें पुलिस पदाधिकारी रामकृष्णा नगर के साहब आए, उन्होंने बयान लिया बड़े वाले इनका, अविनाश कुमार का, कुछ देर बाद। बाकी दो लोग बयान देने की कंडीशन में नहीं थे, बेहोश अचेत अवस्था में थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि FIR जो हुआ, हाँ, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ FIR दिया है? उसके बाद प्रशासन से आपने टेलीफोनिक बात की है या मौखिक बात की है? प्राथमिकी दर्ज रामकृष्णा थाना में किया, फिर गोपालपुर थाना के प्रभारी हमसे मिलने आए करीब घटना के एक दो घंटे बाद तकरीबन। ठीक है, फोर्ड हॉस्पिटल, फोर्ड हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि पहले आप इलाज कराइए, बाकी हम सब कार्रवाई के लिए हम करते हैं। फिर शाम में भी उनका फोन आया, तब तक हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। तो फिर एक दो दिन बाद हमें ज्ञात होता है, क्योंकि हम लोग सारे इमरजेंसी वार्ड में थे और किसी की हालत सही नहीं थी, तो हम घर तो आए भी नहीं। तो वहाँ पता चला कि मुख्य आरोपी समीर कुमार गिरफ्तार है, बाकी लोग फरार हैं। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमने तो प्रशासन से गुजारिश किया था कि सर बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाए, तो उन्होंने कहा कि हो गई, बट किसी का हुआ नहीं है अभी तक। और हम लोग घर के बाहर भी हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हम पे हमला किया है उनके घर पे मूवमेंट है, वो लोग के घर के बाहर भी मतलब कुछ लोग आते जाते रहते हैं, तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं।
हम प्रशासन से सुरक्षा मुहैया की गुजारिश करते हैं कि हमें ऐसी वारदात फिर ना हो।